नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ लाइफ कोच, और आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। हमारे पास सिर्फ 24 आवर्स हैं और हर इंसान के पास वही 24 आवर्स होते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक हो, मैं हूँ या आप हो, सबके पास 24 आवर्स होते हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जी हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो रेगुलरली मिलते रहें। अब बात कर रहे थे हम टाइम मैनेजमेंट की, टाइम को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और किन भागों में बांटना चाहिए। तो हम अपने टाइम को चार भागों में बांट सकते हैं, चार के साथ हम पांच भागों में भी बांट सकते हैं। वो क्या क्या भाग हो गए? हमारे इमोशनल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ। अब ये जो हमारे पांच हिस्से हो गए हमारी ग्रोथ के, ये हमें इन 24 आवर्स में ही बांटने हैं। अब उससे भी ज़्यादा है कि हम इसको किस तरह से बांटते हैं अपने दिन को, 24 आवर्स को। 24 आवर्स को हम बांटते हैं 8 घंटे हमारे सोने के, 8 घंटे हमारे काम करने के, और 8 घंटे में हमें ज़िंदगी की सारी चीज़ें करनी है। यानी ये जो हमने पांच फैक्टर्स लिए हैं उनकी ग्रोथ पे काम करने हैं। हमें अपने को खाना पीना और एक्टिविटीज़, मिलना जुलना, सोशल नेटवर्किंग, सब कुछ हमें उन 8 घंटे में करनी होती है। अब हमारे लाइफ में फिज़िकल हेल्थ, फिज़िकल ग्रोथ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ के ऊपर टाइम करने की ज़रूरत क्या है? अब आप सभी जानते हैं कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, चाहे पैसा कितना भी हो, चाहे हमारे रिश्ते कितने भी अच्छे हों, चाहे हमारे पास दुनिया की बेस्ट चीज़ें हों, सब बेकार है अगर हम बीमार रहते हैं, अगर हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं है, अगर हमारे अंदर वो फिटनेस नहीं है और हम कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो कितने भी छप्पन भोग हमारे सामने परोसे हुए हों या हमारे कोई बीमारियां लग गई हों, तो हम वो खाना नहीं खा पा सकते। तो इसीलिए हमें फिज़िकल हेल्थ के ऊपर ज़रूर टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इस फिज़िकल हेल्थ के ऊपर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, योगा करके, दौड़ के, वॉकिंग करके, या जो भी आपको अच्छी लगती है उन एक्टिविटीज़ में। बहुत ज़रूरी है हमें टाइम स्पेंड करना, क्योंकि फिज़िकल हेल्थ से ही सारी चीज़ें शुरू होती है। अब आती है हमारी मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल ग्रोथ क्या है, मेंटल एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड करना किसे कहते हैं? मेंटल एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड करना कहते हैं कि हम अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी लोगों की बातें सुनें, उनकी बातों से हम प्रेरित हों, ना कि उनसे जेलसी करें, उनसे रिवेंज लेने की सोचें, या उनके बारे में कुछ थॉट्स लाएं, अरे पैसा है तो कहीं और से आ गया होगा। नेगेटिव चीज़ें कुछ नहीं लाएं और हम अपने अंदर मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ाएं। कुछ ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनके बारे में पढ़ के, जिनके बारे में देख के, जिनके बारे में समझ के हम मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब आता है हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या होती है? हम जाप करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम अध्यात्म में जाते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम अच्छे महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं। उससे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में समस्याएं जो भी आती हैं उनसे हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि जीवन तो एक रोलर कोस्टर राइड है, कभी सुख है तो कभी दुख है। तो इसको हम आराम से कैसे सहें, कैसे इस चीज़ को हम जीवन में लें, इससे आगे कैसे बढ़ें। आज अगर समय ख़राब है तो कल अच्छा भी आएगा, और हर जीवन के हर पहलू से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर पॉजिटिव टाइम है उससे भी लर्निंग होती है, अगर दिन खराब चल रहे हैं जो हमें लगते हैं उससे भी लर्निंग हो सकती है, अगर हमें कोई बीमारी है उससे भी हम कुछ सीख सकते हैं, और अगर हम हेल्दी हैं तो उससे भी हम कुछ सीख सकते हैं। तो हमारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव लाइफ के पहलू हैं उनसे सबसे लर्निंग होती है, और उसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने मेंटल ग्रोथ के लिए। क्योंकि जो लोग वीक होते हैं मेंटली, वो अपनी पावर खो देते हैं, या तो वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, या फिर वो अपने आप से लड़ते रहते हैं, अपने आप का ही सामना नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब हम मिरर वर्क करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, तो वो अपने आप से आंखें ही नहीं मिला पाते और किसी गिल्ट में, किसी अपराध बोध में जीते हैं। तो ज़रूरी है हमें मेंटली स्ट्रांग होना, और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ की। फाइनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? फाइनेंस, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो उसके लिए भी हमें टाइम लगाना पड़ेगा। उस पैसे को कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे सेव करना है, क्योंकि हम समय को नहीं सेव कर सकते, हम सेव कर सकते हैं सिर्फ टाइम को। सिर्फ
पैसे को सेव कर सकते हैं, टाइम को बिल्कुल सेव नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास पैसा है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे कमाना है, क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, उसके बारे में पढ़ना, ये सब चीज़ें करना फाइनेंशियल ग्रोथ में आती है। और इमोशनल ग्रोथ क्या होती है? इमोशनल ग्रोथ होती है हमारे लाइफ के इमोशंस को लेके, हमारे इमोशंस कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, हम क्या छोटी छोटी बातों में रोज पड़ते हैं, क्या हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, ये सारी हमारे इमोशनल ग्रोथ पे आती है। तो ये सारी थी हमारी ग्रोथ के बारे में, हमारी सारी एक्टिविटीज़ के बारे में जो हम रोज करते हैं। तो अगर हम अपने लाइफ को 24 आवर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो हमारा ये जो टाइम इन्वेस्टमेंट है बहुत अच्छा हो जाएगा, जो हमें ग्रोथ भी देगा, जो हमें हेल्थ भी देगा, जो हमें पैसे भी देगा, जो हमें फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली सब तरीके से स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये आपके ऊपर है कि लाइफ में आपको आगे कैसे बढ़ना है। समय हमारे पास लिमिटेड है और हमें इन सारे प्रकार की ग्रोथ हमारे अंदर लेके आनी चाहिए, और ये डिपेंड करती है हमारे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। और ये कैसे पता पड़ेगा कि हमारा दिन बहुत अच्छा निकला है? ये पता पड़ेगा जब हम रात को बैठ के इवैल्यूएट करेंगे कि हमने दिन में कौन सा कंस्ट्रक्टिव काम किया जो हमें फुलफिलमेंट लग रही है, या कितना समय हमने वेस्ट किया, उसके निर्णायक, उसका डिसीजन मेकर हम खुद ही हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये थी बात हमारी टाइम को कैसे यूटिलाइज करें खुद की ग्रोथ के लिए। थैंक यू। दिस वॉज सीमा टॉकिंग टू यू। बाय बाय।